समय की बात रहेगी कि जिस समय भरतरी की रानी पिंगला एक कोतवाल से मन लगा बैठती है, राजा तो कचहरी के लिए चला जाता था सुबह, और दोपहर में वह उस कोतवाल को बुला करके और उससे रूबरू तो बात करती है। साथियों, रोजाना इसी तौर तरीके से समय को व्यतीत कर रही थी। एक दिन का वाक्य है, समय से पहले रोजाना तो छुट्टी में आया करता था, लेकिन हाफ टाइम में आज छुट्टी हो गई विक्रम की। आकर के महल में देखा तो भाभी किसी गैर मर्द के साथ में बात कर रही है। साथियों, ऊपर का दिल, ऊपर का सास ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो समझता था कि भाई भरतरी तो इतना प्रेम करते हैं हमारी भाभी से, इस तरह की बात की पता नहीं थी। साथियों, आकर के कहने लगा कि भाभी महल के अंदर कौन डांटा, कौन था जो तेरे पास में यहां बात कर रहा था। तो दोनों के बीच में उस समय के व्याख्यान कवि ने मंच के माध्यम से किस तरह से कलाकारों द्वारा बताए जाएंगे। भाभी, कह दे विक्रम, तेरे तो आवाज में भी मुझे कुछ लड़खड़ाहट सी लग रही है। आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, पहले यू बता कि तू आज स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आया। इतनी जल्दी मैं ऐसे आ गया कि आज 31 तारीख है और बंद महीना है, तो मास्टर ने छुट्टी जल्दी कर दी। अच्छा, हाँ। लेकिन मैंने तो तुझे लंच पूरा दिया था। लंच तो पूरा दिया था, लेकिन लंच में आधे अब घर ही खा लूंगा, मैं वापस ले आया हूँ। चल ठीक है, जल्दी आ गया तो कोई बात नहीं, पर ये बता तू मेरे महल के दरवाजे के पास क्या कर रहा है। महल के दरवाजे के पास में कुछ भी नहीं कर रहा। जब मैंने अंदर दहलीज से पांव रखा तो मुझे तेरे महल से, तेरे जिस महल में तू रहती है वहां से किसी गैर मर्द की आवाज सुनाई दी थी। भाभी तेरे साथ कौन था? यानी कि मेरी ताका झांकी कर रहा है। मैं ताका झांकी नहीं कर रहा। और वो एकदम से तेज आवाज जो मेरे कानों में चली गई, उसको मैं पूछ रहा हूँ कि वो कौन था। जैसा तू सोच रहा है विक्रम, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। मैं अपनी महल में अपनी दासियों के साथ आराम कर रही थी और उनसे ही बातें कर रही थी। भाभी, हाँ, सीधा सीधा बता दे, सीधा सीधा बता, मेरे इस बात को, उस आवाज को सुनकर के शरीर के अंदर बाकी नहीं रही। अच्छा, आखिर वो कौन आदमी है जो हमारी आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहा है? तेरी आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहा है? जैसा तू सोच रहा है ना, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। मैं अपनी दासियों के साथ आराम कर रही थी और कुछ खाना पीना खा रही थी। मुझे मालूम है, जैसे तो चिप्स खा रही थी वो, तो मैं जान रहा हूँ तेरी बात है, तुझे भी खाने हैं चिप्स। हाँ, लेकिन मेरी बात को भाभी ये तो सीधा सीधा बता दे, वरना मुझे जाकर के भाई भरतरी से इस बात को कहूंगा कि गहर मर्द हमारे महलों में डटता है जब आप कचहरी के लिए आते हो। अच्छा, अपने भाई से कहेगा? भाई से कहूंगा। क्या कहेगा भाई से? भाई से ये कहूंगा कि भाभी अब अपनी उस मर्यादा से विचलित हो चुकी है जिस मर्यादा पे पहले थी। अच्छा, भाई भरतरी तुझे बहुत चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है विक्रम कि आज तू पी के आया है, जब ही तो तुझे बोलने की तमीज नहीं रही कि बड़ी भाभी से बात किस तरीके से की जाती है। मैं पी के नहीं हूँ भाभी। सेट है तू आज? ना ना, हाँ सेट है तू। तेरी भावना में वो बात नहीं रही जो पहले थी। जिस भावना में भावना है वो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। तो तू अगर बेड़ा पार लगाना चाहता है तो निकल जाए यहाँ से। मैं जानता हूँ कि भाभी तू मेरी गर्दन पे छुरी चलवाने के इरादे से है। कटवा दूंगी। मैं मर सकता हूँ, लेकिन भाई से जाकर के तेरी शिकायत जरूर करूंगा। तू शिकायत करेगा? हाँ। सुन मेरी बात। मेरी सुन ले पहले। सुन ले। ओ पिंगला, भाभी पिंगला, कह दे विक्रम, मेरी बात पर जरा गौर दे। हाँ हाँ कहिए। ओ पिंगला भाभी एक बार बोल। क्या बोलूं, क्या बोलूं? ओ पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। ओ पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। विक्रम तेरे, खामा खा क्यों विक्रम तेरे, बहम सा बड़ा। पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। अरे पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज।
ताज पे चढ़ा। और देवारी, अगर आप कहो तो मैं तुम्हें आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। आप कहकर के बात ना कर भाभी। अच्छा तू कहूँ? तू कह मुझसे। अच्छा ठीक है विक्रम, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहिए। कह दूँ? तेरे उद्गार में अंदर, इधर आ, इधर आ, इधर। मेरे हाथ को ना पकड़िए भाभी। क्यों, तू मेरा छोटा देवर है? ना ना बिल्कुल छोटा नहीं हूँ मैं, इतना भी छोटा नहीं हूँ कि मुझे तू हाथ पकड़ के और इस तरह से ले जाएगी। तू बता तू चाहता क्या है? मैं ये चाह रहा हूँ। हाँ। कि जिस लीग पर तू चल रही है इसको छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। सही कर रही है? हाँ। लेकिन तेरी बुद्धि पर कलू बैठा हुआ है। नहीं, मेरी बुद्धि पे कोई कलू नहीं बैठा भाभी। हाँ। मान जा मेरी बात। नहीं मानूंगी। कैसे? सुन मेरी बात। और सुन ले, मत बांधे विक्रम पाला, बनिया नौकर तेरा घर वाला, पी दारू पी दारू पी दारू कर रिया चाड़ा, पी दारू कर रिया चाड़ा, बनी भाभी बनी भाभी बनी भाभी ओ गंदा नाला, बनी भाभी कौन तेरी सेज पे चढ़ा, पिघला भाभी एक बार बोल कौन तेरी सेज पे चढ़ा। भाभी हमें मालूम ना था, हमें मालूम ना था कि तू जैसी मासू का बड़ी चोर होती है। अच्छा। हमें मालूम ना था कि तू जैसी मासू का बड़ी चोर होती है। कैसे? झूठी फरे भी सीना जोर होती है। ओहो। फिर कैसे करें हमारे भाई भरतरी तुम जैसी मासू को पर भरोसा, कैसे? जिनकी सुबह यहाँ तो शाम कहीं और होती है। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, इस औरत के चक्कर में तो बड़े बड़े बर्बाद हो गए विक्रम, तेरी तो औकात क्या है? भाभी जिस टाइम मैंने भीतर आकर के माहौल को देखा था। अच्छा। तो मुझे कुछ ऐसा भी नजर आया था कि जैसे वो आदमी तेरे वस्त्रों को पकड़ करके भीतर की तरफ तुझे ले जा रहा था। तुझे इतने दूर से साफ साफ दिखाई दे रहा था। खींचा तानी मैंने देखी है। अच्छा। हाँ। क्या खींचा तानी देखी है तने? मेरी आई साइड इतनी वीक नहीं है भाभी, अभी नई उम्र है मेरी। इन्हीं बातों में ध्यान रहे इसका। मुझे ऐसा लगता है तेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। रोशनी तो अभी तो जागृत हुई है। कैप्सूल खा मछली वाले। हाँ। मान जा भाभी तू अपनी बात से बाहर जा जा। विटामिन ए की कमी है। सुन मेरी बात। डी की कमी है। आंखों में ए की कमी है। मेरी तो ठीक है, मैं चश्मा लगाऊं। मन देखी देखी
समझूं, मैं समझूं तेरी बेईमानी, मैं समझूं तेरी बेईमानी। राम भरतरी की रानी, राम भरतरी की रानी बनी पाप का घड़ा पिघला। भाभी एक बार बोल कौन तेरी सेज पहचाना, पिघला भाभी एक बार बोल कौन तेरी सेज पहचाना। जो तने देखा जो तने सुना उसे भूल जा, ये तेरी और मेरी आपस की बात है। पढ़ाई पे ध्यान रख, यू कैसे पढ़ाई पे ध्यान रख, केन अपना जो ध्यान है केंद्रित कर ले बस भाभी की तरफ। फेल हो जाएगा आज नहीं तो। हाँ बाहर से हम पास हो जाएं पर घर फेल नहीं होने चाहिए। हाँ इसलिए तुझे समझाती हूँ, जो तने महल में देखा है ना वो खींचा तानी वगैरह वगैरह कुछ भी उसे भूल जा। बस देखिए साथियों, भरतरी बड़े भाई थे राजा विक्रमा जीत के, क्योंकि बाद में विक्रमा जीत कहलाए, विक्रम नाम था शुरू में। साथियों ये समझाने लगी कि जो तू ने देखा है उस पर पर्दा डाल दे विक्रम, जो कुछ तू चाहेगा वो तेरे लिए मैं हाजिर कर दूंगी। हाँ। मुझे कुछ भी करना पड़े इस राज गद्दी पर भी तू बैठेगा, लेकिन इस बात को कहीं बाहर जाकर के मत कह देना। इसलिए तुझे समझाती हूँ विक्रम, जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल ऐसा करेगा बात को। लेकिन साथियों जति मरल था, विक्रम ने कसम खा ली थी कि ये जो हमारे महलों के अंदर हुआ है मेरी गर्दन कट सकती है, लेकिन इस भाभी को मैं जाकर के बताऊंगा जरूर अपने भाई को इस भाभी की बात। साथियों अच्छा। लास्ट कली में एक लाइन लिखी है, बुजुर्ग कहा करते हैं कि भाई नार नहीं नौरंगी है और नौरंगी नहीं सौरंगी है, ढकले तो कुल के कुल को ढकले वरना नंगी की नंगी है। साथी ये जो बुजुर्गों की कहावत है वो आज सामने आती है, सारी बात सत्य कही थी उस जमाने में भी, किस तरह की बात कही लास्ट कली में क्या बताया भला। हद कर गया ताने में छुपी ना गणे इस पाने में, कर सेवा भाभी सेवा पाप चढ़ेगा मुझ पे, हाथ मत लगा पैरों। उधर इधर आजा मेरे देवर, इधर आजा, तू ऐसे दूर दूर क्यों भाग रहा है भाभी। हाँ मेरे फेटा पकड़ के मत खेचे मुझे थोड़ा। तेरा फेटा ही पकड़ के खेचना पड़ेगा तू तभी मानेगा बात को। देख जो तने देखा है जो तने सुना है उसे बात को भूल जा, तू और मैं दोनों मिलकर मौज करेंगे अपने भाई से, कुछ मत कह तू। ये हुई ना बात सच्चाई। हाँ फंसा ले भाभी, लेकिन कतई दलदल में नहीं फंसूंगा। नहीं फंसेगा नहीं। कर सेवा तेरी खाने में, ना चुके ना चुके रे, ना चुका चुका चुके रे, ना चुके विष प्याने में, ना चुके विष प्याने में, ब्रह्म पाल के गाने में रे, ओ ब्रह्म पाल के गाने में छंद पिघला भाभी एक बार बोल कौन तेरी सेज पे चढ़ा।